नाचे जाले गुंडन की संगे रहले बहुत दिनिया तो दमहन दिनिया कथम की फांसी लगवले रहलिए लइकिया हम घरवा में रहली हम ना जानत हई लइकिया फांसी लगवले रहे हम लोग को सबूत थे कुछ फांसी से नहीं लगाए थे वो लड़की। भोजपुरी सिंगर ममता चौहान इस दुनिया में नहीं है। जहाँ तक जो लोग खबर सुन रहे हैं कई लोग यहाँ तक ये भी बता रहे हैं कि शायद सुसाइड की है या फिर फांसी लगाई है, ऐसा भी खबर सामने आ रहा है। लेकिन ये जैसे जानकारी मिला हम लोग ममता चौहान के घर पे पहुँचे हैं। ममता चौहान की माँ है और कुछ ममता चौहान के करीबी हैं, दोस्त थे उनके, कुछ ऐसे फैन भी हैं जो यहाँ मौजूद है। जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ममता चौहान का जो इस दुनिया में नहीं रहना या इस दुनिया से चले जाना, जो एक ये खबर सामने आई है, कैसे ये घटना घटी है, पूरा खुलासा जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले उनकी माँ है, उनकी माँ ही बता रही है कि कैसे ये घटना हुआ, उनसे ही जानते हैं। ममता चौहान कब से जो है देहांत कब का हुआ है? कल का 1:30 बजे का बाबू। और क्या कुछ समस्या था, कैसे ये समस्या ये था बाबू, 6 महीना से उसको बुखार आता था, देह में खून भाग गया था, 2 गो खून का जांच कराए, कुछ नहीं, बौसिर की मानो बहन ने इतना खून तनी मन ना गिरत रहा, पूरा बल्टी खून गिरत रहा। जब जात रही पैखाना में तो आवत रही हमसे तो कहते कि मम्मी अब हम जी अब ना देखा तू कितना हमारा खून गिरत है, बौसिर पैखाना किराए गिरत रहा। आई है कुल भैया दू दू बेर भर्ती कैली ले जाके, या उनके कोनो कुछ काम में ना करत रहा कि कुछ उनके काम करो, दवाई बीरो कुछ ना काम करत रहा। कल का जी खबर कब का हुआ है? 1:30 बजे। तो 1:30 बजे का हुआ है, कई लोग ऐसे बता रहे हैं कि फांसी लगाई है। आप माँ है, माँ बता पाएंगी कि हकीकत क्या है? वे बताए ना कहते बाबू की फंसावे खातिर बहुत लोग कहीं ना कहते रंडी हमें ले गया के बंद कि नाचे जाले तो रंडी हो तो हे गुंडन की संगे रहले बहुत दिनिया तो वही दमहन दिनिया कथम कि फांसी लगवले रहिए लइकिया हम घरवा में रही हम ना जानत हई लइकिया फांसी लगवले रहे। ये माँ जो है जिस तरह से अपने तन से पैदा की आज बड़ा की, माँ जो है पूरा दर्द जान लेंगी और कहीं ना कहीं इस तरह से माँ कैसे कर सकती है। और माँ बता रही है कि जो है ममता चौहान टाइफाइड से ग्रसित थी और 5-6 महीने पहले से इस तरह से समस्या था, और साथ में जो है खूनी लाल यादव हैं सिंगर, जो कहीं ना कहीं ममता चौहान एक गायकी के जो है पैदान में अपना पैदान जो रखी, बहुत मेहनत की, खूनी लाल ने अपना जो है साथ में सहयोग भी किए। लेकिन इनसे भी जानकारी लेंगे कि ये जो है घटना कहाँ तक सही है और कैसे हुआ। देखिए घटना सही है कि मतलब तबीयत खराब था उनका 6 महीने से, और इलाज चल रहा था वहाँ राकेश हॉस्पिटल, यहाँ चला फिर गोरखपुर में चलाए हम लोग दवा वहाँ, तो अच्छी हो जाती थी, लेकिन कुछ कारण था कि मतलब हर चीज़ दिखाए थे वहाँ, कुछ कारण के मतलब बोलते थे कि कुछ कारण है भैया मेरे ऊपर, उसकी वजह से नहीं हो पा रहा था। तो हम बोले कि चलो बड़ा हॉस्पिटल में दवा कराते हैं, बड़ा हॉस्पिटल में सदर में दवा करा देते, भैया ठीक है, 10-5 दिन सही रहती थी, उसके बाद वो साथ में महादेव के साथ एक बहुत जो है ये खुलासा था, शादी होने वाला था, विष्णु राज के भाई थे, तो महादेव से जो ये आना जाना लगा था। जी तो क्या उसमें कोई बात सामने, क्या खुलासा जानकारी है? नहीं मतलब ऐसी कोई बात नहीं थी कि झगड़ा उगड़ा, यही ना झगड़ा उगड़ा नहीं, वो सब नहीं था, अच्छे से रहते थे सब लोग, तबीयत खराब थी भगवान का, सब करके सभी लोग रहते थे, मतलब कोई विवादित उसमें नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई अभी हाले में शायद जानकारी मिला था कि महादेव साथ में आए भी थे। हाँ अब इन हाले में यहाँ से घर उर पे थे, घर में रह। अच्छा हाँ 4 दिन रहल हाँ आ काल गईल वे कहल न बन के जा घरे आ चैनल बनावे के हुए आ अपन जा घर वहाँ फिर हम बोलाए तो तू चलिए यहाँ जब बनावे के हो चैनल वीडियो बनावे के हो। तो विष्णु राज के भाई महादेव से जब इनका मुलाकात हुआ वो भी चाहते थे कि कहीं ना कहीं जो भी गरीब की जो है बेटी एक बहन तमाम या जो भी मेरे साथ जुड़ी तो कहीं ना कहीं उन्हें भी आगे बढ़ाने के लिए साथ में मेहनत किए और लगातार जो है इनके घर से ताल्लुक रहा। लेकिन जिस तरह से इन लोग का आना जाना था, एक अच्छा रिश्ता था, लेकिन रिश्ते में जब भी ये तबीयत ऐसा दिक्कत आता था तो महादेव भी दवा के 50,000 का दवा कहना बाबू हमारे गरीब भी देख के कहना कहला कि ममता हम मतलब सब लोग जानते थे कि शादी होने वाला है, लेकिन इलाज करा रहे थे, दवा करा रहे थे। यहाँ के लोग ये हैं कि मतलब
सोचते हैं कि फंसा दे किसी तरफ, गरीब का कोई नहीं होता है, जानते हैं ना, गरीब का कोई नहीं, गरीब फंसाने के चक्कर में सब लोग पड़े हुए हैं कि बोलते हैं कि सुसाइड कर लिया अगर यहाँ से। मतलब वो जाती थी पहले, मतलब शुरू शुरू में जब काम करती थी इसमें लाइन में, तो बोलती थी कि भैया देखिए हमको बोल रहे हैं ऐसे रास्ते में, हमको बहुत मैंने हर बात बताती थी कि बोल रहे थे कि नाचने जा रहे, निकल गई नाचे खाते निकल गई, चल दिया रंडी है, तो हमारा मोबाइल चालू रहता था, हम सुनते थे वो बतिया, सब कुछ सुनते थे कि लड़के क्या बोल रहे हैं, सब लोग ऐसा बोलते थे और ये लोग सहते थे। और इतना जो है ऐसे समस्या से सामना करते हुए उस लड़की को आगे बढ़ाने के लिए लोगों ने जो प्रयास किया, यहाँ तक घर वालों ने, घर के जो एक गार्जियन तमाम जो माँ थी, अपने बेटी को तमाम तरह से ये तकलीफें सहते हुए भी बेटी को जो है आगे बढ़ने के लिए प्रयास रखी। वो मतलब यहाँ के जितने मतलब बहुत ज़्यादा सिंगर है, तो कुछ सिंगर ऐसे थे कि मतलब उनको गाना ना गवाएं, लेकिन हम बोल दिए थे कि ममता तू टेंशन ना ला, तार भाई बाट तब तक गई बू तो हमारे साथ में, हमेशा गाना गाते थे, हमेशा दोनों साथ में गाते थे, और भगवान की लीला है। खुनीलाल यादव जो है ममता चौहान को एक कहीं ना कहीं बहन मानते थे, वो ऐसा बहन जो एक जो रिश्ता था खून का, एक माँ के साथ जो एक भाई बहन का जो रिश्ता, कहीं ना कहीं वो ममता चौहान को एक बहन मान के और आगे बढ़ाने का जो एक जो प्रयास था इनका, बहुत काफ़ी जो है ये अपना प्रयास किए, लेकिन शायद जो है ये जो खबर आई कि ममता चौहान दुनिया में नहीं है, तो ये लोग मौके पे आए, माँ से मिले, माँ के पास भी हैं, इस जो है घटना में ये लोग सम्मिलित भी है। कब से हैं आप लोग? अभी आए, हमको पता मतलब शाम को हमको पता चला 5 बजे करीब, तो हम कहीं गए थे वहाँ बक्सर की तरफ, तो हमको आने में यहाँ लेट हो गया, हम तो घर आए 12 बजे करीब आ गए घर, उसके बाद हम नहीं आ पाए। कुछ लोग ऐसे भी बाकावे की बात कर रहे हैं कि फांसी और इस तरह से जो है सुसाइड की समस्या है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों से यही कहना चाहते हैं कि मतलब अफवाह ना फैलाएं, भैया आपके घर में बहन बेटी होगी, अगर ऐसा करेंगे तो आपके घर मतलब वो हो सकता है कभी। एक गरीब के घर में जो है इतना बड़ा मातम सा पसरा है, उस गरीब के घर में उस गरीब परिवार को इतना और ना जो है सताया जाए, क्योंकि जो है एक घटना से जो है वो तमाम तरह से झेल रहा है, और उसे जो है और बातों से जो है टेंशन ऐसा दिया जाए ताकि वो और जो है परेशान में ऐसा ग्रसित हो, तो ये जो बहकावे की बात आ रही है ये लोग जो कर रहे हैं ये सब गलत कर रहे हैं। देखिए मतलब ऐसा तो कभी किसी को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मान लीजिए गरीब परिवार है, अब माँ बची हुई है, मान लीजिए कि हमारे घर में रहता, ये अफवाह फैलाते, अगर पता चलता तो उन लोगों का मतलब दूसरा हाल हो जाता, क्योंकि मतलब गलत नहीं थे ना, गलत है ना, गलत थी ना, गलत थे ना, गलत है ना, गलत रहेगी कभी। अब ममता चौहान के घर के जो है माँ और उनके पूरे परिवार से बयान जो है जो सामने आ रही है निकल के साक्षात, कि जो घटना घटित है इसमें जो है कोई जो अफवाहें बातें हैं फांसी और सुसाइड का ये मैटर ना के बराबर है, यहाँ उस तरह से कोई सामने बात नहीं है, ये जो बयान में ये लोग बता रहे हैं, और इस तरह से जो अफवाह बता रहे हैं, अफवाह जो है कर रहे हैं, हाँ। वो गलत है। हाँ बाबू, गलती सब अफवाह ही हुए। आपको क्या लगता है कि आपके परिवार को और दिक्कत में डालने के लिए टेंशन, हाँ, देने, टेंशन के लिए देने के लिए ये आदमी गई तर कतों के उतरे फांसी जा, टेंशन देवे खातिर हम लोग साथ में रहेंगे, साथ में कभी भी रहेंगे साथ में, और हम ममता की माँ है, हमारी भी माँ है, ये सब मतलब हम नहीं दे सकते हैं, उन लोग उनको बहन मानते थे हम लोग। क्या बता रहे हैं? हम लोग खुद सबूत थे, कुछ फांसी से नहीं लगाए थे वो लड़की, वो अपने आप खाना वाना खाए थे, बस बोले कि दिमाग गड़बड़ा था, बस उतने बस बोले थे दिमाग गड़बड़ा रहा बस। चलिए देखिए, हम सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मतलब अफवाह फैलाए ना, कि अफवाह ना फैलाए कि ताकि मतलब माँ को बुद्धि दुख होगा, सब कुछ दुख होगा, तकलीफ होगा। लेकिन ममता चौहान की जो एक बहन है, और इस तरह से जो है जो खबर है कि कहीं ना कहीं बड़ी समस्या से ये लोग जूझ रहे हैं, और इस तरह से अफवाहें ना फैलाए जाए, और इस तरह से जो समस्या का सामना कर रहे परिवार कहीं ना कहीं इस तरह से जो समस्या से जूझ रहे हैं, इस परिवार को कहीं ना कहीं एक शांति की जरूरत है, और इस दुखद घड़ी में जो है ये लोग सामना करें, किसी तरह इस घड़ी से निपटे, सब लोग जो है सांत्वना दें ताकि ये परिवार को एक साहस मिल सके और किसी तरह जो है संभलने का एक मौका मिले। मतलब ये है कि मतलब संभलने का मौका नहीं देते हैं, सोचते हैं कि इनको किसी तरह और दबा दें कि मतलब यहाँ सब खत्म हो जाए। अरे भगवान तो खुद कर रहे हैं, भगवान जब तक नहीं चाहेंगे तब तक कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। हम मान लीजिए कि हम ये हमारे राइटर साहब है, हम लोग तीनों लोग साथ ही में हम लोग काम करते थे। अच्छा, गीत हो तो आप भी लिख कर दिए? एकदम दिया यार, प्रदीप। अच्छा,
बहुत सारे गाना मतलब दिए हैं, लेकिन मतलब हम ममता से यही बोलते थे कि ममता किसी का बात मत सुनो, तुमको सीधा काम करना है तो सीधा वहाँ से घर से निकलो और किसी की बात मत सुनो वहाँ से घर आराम से। मतलब हम लोग कहते थे कि मतलब आप रहिए साथ में के रिश्ते से, जब से यहाँ से निकलती थी घर से तो उनका कॉलिंग पे हम लोग रहते थे टाइम, या तो हम रहते वहाँ बोली बोलते थे कि देखिए निकल गई करे चल गई, हर चीज सुनते थे हम लोग। करके हम लोग आज इतना परेशानी झेल करके आगे बढ़े हैं, अगर जो वो अगला मतलब अब यहाँ करके इतना आगे अगर जो सुसाइड करे तो क्या हम वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये पहले उनको करना चाहिए ना, उतना पहले दिक्कत करना दिक्कत था तो पहले कर लेना चाहिए, इसी सुसाइड नहीं है सब, जितनी दिक्कत झेल करके हम लोग आगे बढ़े, अगर जो उस समय सुसाइड नहीं हुआ तो इस समय कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि मतलब सुसाइड किया जाए यहाँ पे। ये बड़ी जो है तमाम बातें सामने आ रही है और लोगों का जो है ऐसा जो है आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, जहाँ तक जो है ये सामने घर वालों का बयान है, खास इस वक्त के लिए भी न्यूज़ इंडिया के साथ नमस्कार।